Difference between empire and dynasty in Hindi. Empire और dynasty दोनों ही ऐतिहासिक और राजनीतिक अवधारणाएं हैं, लेकिन इनके अर्थ और संरचना में अंतर होता है। Empire एक विस्तृत राज्य या क्षेत्रीय शासन प्रणाली है जो एक सम्राट या सम्राज्ञी के अधीन होता है। इसमें कई देश, क्षेत्र या विभिन्न समुदाय शामिल होते हैं जो बलपूर्वक या अन्य राजनीतिक साधनों से अधीनस्थ होते हैं। एम्पायर का विस्तार अक्सर सैन्य विजय, आर्थिक प्रभुत्व या कूटनीति के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए रोमन साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य और मंगोल साम्राज्य, जो विभिन्न संस्कृतियों और देशों को एक ही शासक के तहत एकजुट करते थे। डायनास्टी एक शासक परिवार होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करता है। यह शासकों की एक श्रृंखला है जो एक ही परिवार से संबंधित होते हैं और सत्ता में रहते हैं। डायनास्टी की पहचान शाही परिवार के नाम से की जाती है और यह किसी एक क्षेत्र या राज्य में केंद्रित हो सकता है। डायनास्टी का नेतृत्व आमतौर पर वंशानुगत होता है, यानी सत्ता एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। उदाहरण के लिए मौर्य वंश, मुगल वंश और चिंग वंश, जो कई पीढ़ियों तक शासन करते रहे। संक्षेप में, एम्पायर एक बड़े और विविध क्षेत्रों का शासन होता है, जबकि डायनास्टी शासक परिवार की निरंतरता और वंशानुक्रम पर आधारित होता है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।